स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चिप्स। हमने लिया है 2 किलो आलू। ये आलू को हमने साफ कर लिया है और ये हमने बड़े बड़े आलू लिए हैं और इसको हम पहले छील लेंगे। आलू को साफ छील लेंगे और इसे पानी में डालते जाएंगे। ये देखिए, हमने छील लिया आलू को पानी में छील लेंगे साफ से और पानी में डालते जाएंगे। हम एक भगोने में पानी लेंगे और ये आलू कटर से आलू को काट लेंगे। कोई सा भी आप कटर ले सकते हैं और इसको आलू को काट लेंगे। आलू के चिप्स हमने काट लिया है। ये देखिए कितने अच्छे ये चिप्स हो गए हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। और अब इसको पानी में अच्छी तरह से धुल लेंगे। कई 4-5 बार इसे पानी बदल कर और धुल लेंगे, खूब साफ धुल लेंगे और उसके बाद पानी में रख देंगे 24 घंटे के लिए। इसे पानी में रख देंगे, इससे आलू के सारे स्टार्च जो हैं निकल जाएंगे और चिप्स सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद तलेंगे। तो इसको हम धुल के और साफ पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए रख देंगे और बीच में 1-2 बार पानी भी चेंज कर देंगे। 24 घंटे रखने के बाद पानी में इसे 2-3 बार धुल लेंगे और धुलने के बाद इसे छान लेंगे। पानी गर्म करने के लिए रख देंगे भगोने में और ये आलू छान के हमने रख लिया है। अब जब ये पानी उबलने लगेगा तब इसमें हम आलू का चिप्स डालेंगे और इसमें हम 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। अगर आपको नमकीन खाना हो तो 1 चम्मच नमक डाल दें। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम आलू का चिप्स ये डालेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए ढककर रख देंगे। ये आलू हमारा पक के तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको हम हाथ से छू के देख लेंगे, ये दब जा रहा है। ये देखिए, ये टूट जा रहा है और तब ये हमारा आलू पक के तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आलू पकने के बाद हम इसे धूप में एक एक कर अलग अलग करके चिप्स फैला लेंगे और 2 दिन तक धूप में सुखा लेंगे। आलू के चिप्स हमारे सूख के तैयार हो गए हैं। ये कितने सफ़ेद सफ़ेद हुए हैं और अब हम इसे तलेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है और इसमें हम डालेंगे आलू के चिप्स। ये देखिए, बहुत ही सुंदर हो रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है हमारा चिप्स और इसे तल के निकाल लेंगे। ये चिप्स हमारे तल के तैयार हो गए हैं और ये देखिए कितने सफेद सफेद चिप्स हमारे हुए हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।